हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। तो आज मैं एक प्रोडक्ट है जो जिसका कंपेयर वीडियो बनाने वाली हूँ, दो प्रोडक्ट का। तो एक प्रोडक्ट जो हमारे इंडिया में पहले से है और एक प्रोडक्ट अभी नायका पे उसका मतलब कि उस ब्रांड के प्रोडक्ट आए हैं, तो वो प्रोडक्ट सिमिलर बताए गए हैं। तो इंग्लिश वीडियो तो बहुत बनी है, बहुत लोग एक्सपेंसिव चीज़ें लेना चाहते हैं तो लेने से पहले सोचते हैं 10 बार। तो उनके लिए मैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है और जो दूसरा प्रोडक्ट है पहले से है हमारे इंडिया में, तो वो एक्सपेंसिव और अफोर्डेबल के बीच में है, तो उसे ले सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मेबेलिन की विनाइल इंक। तो मेरा इसमें सेड है 62 नंबर। और बात करती हूँ मैं, ये है अर्बन जो ब्रांड नायका पे न्यू आया हुआ है, शायद ये नायका पे ही है, अर्बन डी के ब्रांड की लिपस्टिक, जिसको दोनों को सिमिलर बताया जाता है। मुझे ये नहीं पता कि ये पहले आई थी कि ये पहले आई थी, लेकिन ये ब्रांड अभी आया है नायका पे कुछ समय पहले और कहीं नहीं है। तो ये दोनों प्रोडक्ट सिमिलर बताए जाते हैं, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट जो है इनके प्राइस में बहुत सारा अंतर है। तो ये आता है 849 का और ये आपको पड़ जाएगा कम से कम 2900, मतलब 2900 का। सो अगर इसे कोई लेना चाहता है तो इसमें मैं आपको बता दूं तो इसमें शेड रेंज बहुत आपको मिल जाएंगी और बहुत सारे शेड रेंज मिल जाएंगे, पिंक, मॉव, रेड, बहुत सारे शेड मिल जाएंगे, जो कि अभी और भी शेड हैं, जो कि अभी और भी शेड हैं जो कि इंडिया में नहीं आए हैं। इसमें अभी शेड है, इसमें बहुत ही कम शेड है जो कि हैं, 6 शेड हैं और जो शेड हैं वो नहीं आए हैं, और बहुत कम शेड है जो हमारे हमको अच्छे लगे हैं। तो ये इसमें का सबसे बेस्ट शेड है PDA, और एक मैंने लगाया है रेड कलर। तो बात करते हैं कि इनमें सिमिलर क्या है, तो दोनों ग्लॉसी और ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है। तो मैंने ये अर्बन की लगाई है तो ये ट्रांसफर नहीं कर रही। तो चलिए मैं इसमें सिमिलरिटी आपको दिखाती हूँ। इसकी पैकेजिंग ऐसी आती है, आप सब देख सकते हैं, मेबेलिन की। इसमें ऊपर कोई कार्डबोर्ड की पैकेजिंग नहीं है, होती पॉलीथीन से रैप होती है, और आप पूरी पॉलीथीन निकाल लोगे तो ये सारा इसकी जो इंफॉर्मेशन है निकल जाती है। बट मैंने इसको बीच से कट कर दिया कि इसकी इंफॉर्मेशन रहे, लेकिन ये जो है ऐसी क्लासी पैकेजिंग में आती है, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में। हाँ, इसमें सारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट इसी पे दिया रहता है, और अच्छी पैकेजिंग है, काफ़ी खूबसूरत मेबेलिन की पैकेजिंग है। तो ये आता है ऐसे कार्डबोर्ड की पैकेजिंग, जिस तरह की आपकी लिपस्टिक का शेड है ना, वो यहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ PDA यहाँ देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, नेट क्वांटिटी 4.2 ml है जो कि अच्छी क्वांटिटी है, और इसमें भी सब कुछ इसी में दिया हुआ है। तो इसकी तो आपने इनर, ये तो इनर आउटर पैकेजिंग एक ही है, इसमें कुछ ऊपर से नहीं दिया हुआ है। इसकी मैं इनर पैकेजिंग दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरह से क्लासिक पैकेजिंग है, आप सब देख सकते हैं। और यहाँ आपको शेड नेम मिल जाएगा और कोई इंफॉर्मेशन इस पर नहीं दी हुई है, तो इतना एक्सपेंसिव है तो देना चाहिए था। और ये ग्लॉसी सी पैकेजिंग है, इससे कहीं ज़्यादा ग्लॉसी है इसकी पैकेजिंग, देख रहे हैं ये साइन कर रही है कितनी। और ऐसा ही कुछ शेड है इसका, तो कैप भी है। तो चलिए मैं इसकी सिमिलर बताती हूँ क्या है और इसमें क्या है अंतर। सो फ्रेंड्स, इन दोनों लिपस्टिक को आपको पहले सेक करना है, सेक करने के बाद तभी यूज करना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेबेलिन की, इसमें एक फ्रेग्रेंस है हल्की सी मेबेलिन में, इसको भी सेक करना है।
इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। और ये है अर्बन की पीडीए, तो थोड़ी देर इसको टाइम लगता है। आप इसमें देखिएगा, मैंने मैबलिन की जो लगाई है इसमें हल्का सा देखिए बीच में गैप दिख रहा है ना, और ये पूरा कवर अप कर ले रहा है, लिप पूरा कवर कर, इसमें कहीं कोई गैप नहीं है। तो ये पहला इसमें जो देख सकते हैं तो ये है। तो ये काफी एप्लीकेशन इसकी मेबलिन से काफी अच्छी है। तो दूसरा क्या है मैं वो बताती हूँ कुछ देर बाद जब ये ड्राई होती है। तो सो मैं बताती हूँ ना, मेबलिन ने मुझे कुछ दिया है ना, इस प्रोडक्ट ने मुझे कुछ दिया है। बट अगर आप इसे लेना चाहते हो अर्बन की, तो ये बहुत अच्छी है, आप ले सकते हैं। तो जब तक मेरे देखिए मेरे इस मौसम में अप्रैल में मैं पैदा हुई थी, इतने ज्यादा ड्राई मैं लिप बाम के ऊपर से लगाई हूँ। मैं लिप बाम के अलावा कुछ नहीं लगा रही हूँ, बहुत ही ग्लॉसी लिपस्टिक है, बट देख रहे हैं एकदम ड्राई हो गई। मतलब लिप बाम के ऊपर लगाई तब जाकर ये हल्का हल्का आ रहा है, नहीं तो ये आप ऐसे करोगे तो ये एकदम स्मच प्रूफ है, स्मच नहीं होती है। बट मेबलिन वाली ट्रांसफर प्रूफ है, बट आप ऐसे स्मच करोगे तो ये स्मच हो जाती है। तो ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, और शुरू शुरू में स्टिकी लगेगी, उतनी स्टिकी नहीं है जितनी की मेबलिन की लगती है, और ये कुछ ज्यादा ही शाइनी है मेबलिन से, और ये कुछ ज्यादा ही मतलब कि इसका जो एप्लीकेशन है इसका कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो यही मुझे फर्क लगा, क्योंकि जो मेबलिन है, मेबलिन जो है वो ट्रांसफर प्रूफ है, आप ऐसे नहीं करोगे तो नहीं ट्रांसफर होगी, बट आप कुछ खाओगे तो वहाँ ट्रांसफर होती है, आप ऐसे करोगे तो स्मच हो जाती है, बट ये नहीं होती है अर्बन की। तो यही फर्क है दोनों में। तो काफी अच्छी है, बट एक्सपेंसिव तो है ही, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, 2900 लग की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन मेबलिन के हाथ में आ रही है ये बहुत कम, अभी ड्राई नहीं हुई है दोनों, बट ये देख सकते हैं मेबलिन की हट गई यहाँ से। तो ये देखिए ये स्मच अभी सूखी नहीं है, इतनी जल्दी से स्मच नहीं हो रही है, बट मेबलिन की, और ये क्योंकि अभी सूखी नहीं है तो मेबलिन से बहुत कम ही, और ये हाथ हैंड पे बिल्कुल नहीं आ रही है, हाथ थोड़ा सा फैल गई है बट हैंड पे बहुत ही कम आ रही है। तो इसकी स्टेइंग पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जैसे कि इसकी इसकी सुपर स्टे जो इंक वाली आती है, तो इसकी स्टेइंग पावर बहुत अच्छी। बस इसमें कलर रेंज उतने अच्छे नहीं है, आप मैंने जो रेड लगाया वो ले सकते हैं, आप इसका पीडीए सेट ले सकते हैं, सभी स्किन टोन पे चल जाएगा। इसमें मैरोनिन सेट आता है, उसको ले सकते हैं आप लोग, और जो बहुत फेयर स्किन है तो उसमें एक और पिंक सेट आया हुआ है वो ले सकते। अभी तो मैंने वो भी नहीं ट्राई किया, दो सेट मैंने ट्राई किए हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, ये रेड सेट और ये पीडीए सेट, कुछ नहीं समझ में आ रहा था पीडीए सेट ले सकते हैं। तो यही कंपेयर था कि ये कुछ ज्यादा ही इसका एप्लीकेशन अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, और इससे ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगती है। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।